चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया भर में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। इसमें पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों की ऐप को बैन कर चुकी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंध की गई ऐप को देश की सुरक्षा भुक्ता एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। ऐप्स को बैन किए जाने की जानकारी देते हुए आईटी मंत्रालय ने कहा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इस फैसले को लागू किया। ये सभी 118 मोबाइल ऐप विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रही, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक किया गया। मंत्रालय ने आगे का उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत संप्रभुता और अखंडता सुरक्षा के लिए नुकसानदायक बताया है। सरकार ने जिन 118 ऐप मोबाइल को बैन किया है उसमें एप्यूस लॉन्चर प्रो थीम, एप्यूस सिक्योरिटी एंटीवायरस, एप्यूस टर्बो क्लीनर 2020, जोमी की शेयर सेव, फेस यू, कट कट, वाइडू, कैम कार्ड शामिल हैं, जिनमें चोरी के लिए एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग और यूजर के डाटा का गलत इस्तेमाल शामिल है। इस तरह बुधवार को लिए गए फैसले से पहले सरकार 106 चीनी ऐप्स को बैन कर चुकी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।